Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. अब देश में जल्द ही एक राष्ट्र एक वेतन यानी वन नेशन वन पे डे लागू हो सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल संगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्गों की सुरक्षा के लिए सरकार इस प्लान को जल्द लागू कर सकती है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इस बात का जिक्र किया है। संतोष गंगवार ने कहा, देश के सभी लोगों को महीने में एक ही दिन वेतन मिलना चाहिए ताकि लोगों को समय पर वेतन का भुगतान हो सके। पीएम नरेंद्र मोदी को जल्द ही इस विधेयक के पास होने की उम्मीद है। इसी तरह हम विभिन्न क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे श्रमिकों का जीवन बेहतर हो सके। केंद्र सरकार वेतन संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल यानी OSH संहिता लागू करने की प्रक्रिया में है। वेतन संहिता को पहले ही संसद में मंजूरी मिल चुकी है। देश भर में लगभग 33 लाख केंद्र कर्मचारी हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्रों की संख्या 40 करोड़ से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि OSH संहिता को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया। ये संहिता सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज के हालातों पर 13 केंद्रीय कानूनों को एक ही में समाहित कर देगी। इसके साथ ही OSH संहिता में कई नई पहल भी की गई है।